डियर सर, आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। सर, इस वीडियो की वसातत से आपसे मुखातिब होने की जसारत कर रहा हूँ। आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और ओहदे और रुतबे में भी बड़े हैं, तो आपका पूरा अदब और एहतराम करते हुए और आपसे मुखातिब होने के जो लवाजमात हैं उनको समझते हुए मैंने हमेशा आपसे मुखातिब होने की कोशिश की है। आप मुझे एक गुर्बत की सतह से भी बेहद नीचे वाला गरीब पाकिस्तानी समझ लें कि जिसने 15 साल तक रेडियो पर प्रोफेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूं, मुल्क के नंबर वन रेडियो मस्त एफएम 103 का न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स हेड होने के बावजूद कभी भी मैंने ज़िंदगी में रिज़्क़े हराम का एक पैसा भी नहीं बनाया है। और जब आज से 2 साल पहले मैंने इंतहाई बेसर सामानी के आलम में मुल्क से बाहर हिजरत की थी तो मेरी जेब में सिर्फ 20 रुपये थे। मेरी आवाज़ एक बेबाक आवाज़ थी जो बिकाऊ नहीं थी और 15 साल तक रेडियो की वसातत से हवा की लहरों पर रक्स करती हुई अहले दिल की समातों से टकराती रही है। मैं ये छोटा सा तआरुफ आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मुझे थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि मेरा इल्म अदब शायरी और इजहार से भी ताल्लुक है। डियर सर, आपके पास जो फौज है वो मुल्क पाकिस्तान की फौज है और हम अपनी फौज पर फख्र करते रहे हैं। हम वो नस्ल हैं जो पैदा हुई थी ना तो आपकी मोहब्बत ईमान की तरह हमारे दिलों में बसा दी गई थी, मगर ये आज की नस्ल या जनरेशन ये ऐसे किसी अहद के साथ पैदा नहीं हो रही है। सर, हम अब भी आपसे इख्तलाफ रखने के बावजूद भी जब अपने इदारों का जिक्र करते हैं तो एक शर्म एक हया आड़े आ जाती है, जिसे कभी दिल में भगवान की तरह बिठा के रखा हो ना उसकी मोहब्बत दिल से निकल नहीं सकती। उसकी मोहब्बत आज भी दिल के किसी कोने में अकेली बैठी रोती रहती है। सर, इसका रोना, इसका मातम करना, इसका होजारी करना और दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं आपसे फिर मुखातिब होता हूं। यह मेरे लाख समझाने के बावजूद मेरे दिल से निकलने के लिए तैयार नहीं है। सर, हम मर तो सकते हैं मगर अपनी अफवाज से नफरत नहीं कर सकते। आपका कैदी इमरान खान भी आपसे नफरत नहीं करता है। सर, वो भी 70-80 साल पुरानी वही नस्ल है जो पहली सांस से आपकी वफादार रही है। सर, हमारा भी खून शामिल है इस मुल्क की आबियारी में। सर, हम सब आपसे शदीद इख्तलाफ कर सकते हैं मगर आपसे नफरत नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। हम सब सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इस मुल्क की सियासत से निकल जाएं, अवाम के फैसले अवाम को करने दें। आप बस अवाम के फैसलों को नाफज करने वाली अपनी ड्यूटी करें, पाकिस्तान को पाकिस्तान की अवाम के हवाले कर दें। और खुदा के लिए लोगों को नंगा करके, बेलिबास करके, उनके साथ गैर इंसानी रवैया रखना बंद कर दें। एक बार जिसकी तजलील और जिल्लत हो जाती है ना सर, वो कभी आपका दिल से फिर एहतराम नहीं करता। वो अदाकारी कर सकता है मगर कभी भी इन इदारों से प्यार नहीं कर सकता जो उसे बेलिबास करते हों। सर प्लीज, हमें अपने मुल्क के लोगों को खा वो कैसा ही नजरिया क्यों ना रखते हो, एक इंसान होने के नाते इज्जत देनी है। इज्जत देना बनता है, इतना तो बनता है ना सर। प्लीज सर, इन अफसरों को समझाएं, इन्होंने थानों और अकूबत खानों में ऐसे भेड़िए और दरिंदे रखे हुए हैं जो किसी भी गैर इंसानी हद को अबूर करते हुए कुछ नहीं सोचते। इनको सोचना सिखाएं सर। यह नई नस्ल इजहार के दौर की पैदाइश है। यह नई नस्ल सवाल पूछती है, हमारी तरह नहीं है कि जिनकी आंखों के सामने सहाफियों को और अवाम को सरेआम कोड़े मारे जाते थे और हम फिर भी ये कहते थे जरूर इसमें इन्हीं की कोई गलती होगी। ये सर, ये नई नस्ल इस तरह नहीं सोचती है। सर, ये नई नस्ल इजहार के दौर की पैदाइश है, ये हमारी तरह नहीं है। ये सवाल पूछने और जवाब खोज लेने की सलाहियतों से माला माल है। इसके इजहार पर पाबंदी मत लगाएं और पाकिस्तान में लोगों को इजहार करने दें। अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये घुट घुट कर फट जाएंगे। सर, इनको बोलने दें। सर, सोशल मीडिया को दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह आजाद रहने दे। सर, यह आपका मददगार साबित होगा। लोगों को कम से कम इतनी आजादी तो हो कि वो अशार लिख सकें, नज़में और गजलें कह सकें, अल्फाज और ख्याल को और शायर और शायरी को आजाद रहने दे। सर, शायरों को उठाया जा रहा है। सर, अदीबों को, दानिश्वरों को खौफजदा किया जा रहा है। सर, लफ्जों पर पाबंदी लगाई जा रही है। सर, खुदा के लिए हम जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हो सकते मगर ये जो आपके अफसरान ऐसे हैं आप इनको तो समझा सकते हैं ना सर। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपनी सोच को भी थोड़ा बदल सकते हैं। सर, बोलने की आज़ादी दें। सर, नज़में और गज़लें कहने की आज़ादी दें। सर, अल्फाज और ख्याल को आज़ादी दें। सर, लिखने और बोलने की आज़ादी, ये नई नस्ल संवर जाएगी इससे। सर, अगर आप लिखने और बोलने की आजादी देंगे यह नई नस्ल इससे संवर जाएगी।
ये बोलते, बुरा बोलते और बुरा लिखते लिखते एक दिन अच्छा बोलना और अच्छा लिखना भी सीख जाएंगे सर। जब आप अच्छे हो जाएंगे ना तो ये भी अच्छे हो जाएंगे। वक्त की रफ्तार को आहिस्ता करने की या इसका पहिया वापस माजी जैसे साजगार माहौल की तरफ दौड़ाने की हर कोशिश गैर फितरी होती है सर, और फितरत से बगावत का अंजाम एड्स की सूरत में निकलता है, यानी घातक बीमारी। डियर सर, सियासी कैदियों को छोड़ दें सर, इनको अपने अपने घर जाने दें सर। ये कई कई महीनों से, सालों से अपने अपने प्यारों से, अपने माँ बाप से नहीं मिले हैं सर। एक खास नजरिया रखना इनका जुर्म नहीं है सर। अगर आपको इनका खास नजरिया पसंद नहीं है तो आप उसका एहतराम तो करें सर। आप दूसरों के नजरिए को बजोरे ताकत कैसे बदल सकते हैं? प्लीज सियासी कैदियों को छोड़ दें, इनको अपने अपने घर जाने दें। इससे इन कैदियों और अवाम दोनों के दिल में आपकी इज्जत पैदा होगी। अवाम से दूर मत जाएं सर, ये अवाम ही पाकिस्तान है। अगर आप पाकिस्तान से ही दूर चले जाएंगे ना तो फिर खिदमत किसकी करेंगे सर? हम सब फौज में खिदमत का फर्ज निभाने ही तो आते हैं, तो फिर जब खिदमत ही ना करेंगे तो फर्ज क्या खाक अदा कर पाएंगे? चरागों को जलने दें सर, फूलों को खिलने दें, गुलशन को महकने दें, पंछियों को बोलने दें। आजादी इजहार में लोगों को जो वो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दें। खुदा के लिए शायरों और अदीबों को गिरफ्तार मत करें। मुखालिफ राय रखने वालों को इस तरह से गैर इंसानी सलूक का निशाना मत बनाएं। आप कर सकते हैं सर, आप आगे बढ़िए। इख्तलाफ को खत्म करने के लिए आप बड़े हैं, आप आगे बढ़िए, अपना किरदार अदा कीजिए। खुले दिल के साथ इन सब सियासी कैदियों को छोड़कर अवाम से अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत आगे लेकर आए। अवाम आपसे बहुत प्यार करती है सर। ये सब भूल भाल कर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाएगी। आप बड़े हैं सर, खुदा के लिए इस इंतहाई सख्ती के माहौल को बदलें। हम तो वो नस्ल है सर जो जिसे आप पीस भी देंगे तो फिर भी उसके उससे कभी भी वो आपसे, आपकी नफरत या आपसे इख्तलाफ कर इस हद तक नहीं जाएगी कि जिसमें बेअदबी का मादा शामिल हो। मगर ये नई नस्ल ये ऐसा नहीं सोचती है सर। खुदा के लिए आप इसके भेदभाव को समझें, इसके साथ चलना सीखें और इनको समझते हुए इन्हें साथ ले जाकर साथ चलें। और ये जो सर जो चमचे बने हुए हैं, जो लोग टीवी की स्क्रीन पर आकर पाक फौज के चमचा होने का सबूत पेश करते हैं और सरेआम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और ये साबित करते हैं कि चूंकि उनके पीछे फौज है इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके मुंह बंद करवाएं सर। हम जानते हैं इनके पीछे पाक फौज नहीं है सर, मगर ये पाक फौज को इस्तेमाल करते हैं, खुदा के लिए आपका नाम इस्तेमाल करते हैं। आप इनको समझाएं और इनके मुंह बंद करें। ये लोग मुल्क के लिए मददगार नहीं है, ये आपकी ना ही कोई नेक नामी का सब के लिए का कोई चारा है। ये आपकी बदनामी कर रहे हैं सर। ये बहुत सारे लोग हैं, ये फैसल वाडा जैसे, ये इनको तो बोलना नहीं आता, ना इनका इल्मो अदब से कोई ताल्लुक है, ना इनका इजहार से कोई ताल्लुक है। ये चार सियासी बातें सीखकर और दो आपकी बताई बातें सीखकर खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं सर। खुदा की कसम, ना ये तोप है, ना ये इंसान होने के आला ओहदे पर, फायज होने की शरायत पर पूरा उतरने वाली शख्सियात में से है। ये आपका क्या नाम रोशन करेंगे सर? आपका नाम आज की यूथ रोशन कर सकती है सर। वो जो आपसे दूर खड़े हैं आप उन्हें पास करें। ये जब आपका नारा लगाएंगे 25 करोड़ आवाम सुनेंगी। ये फैसल वाडा टीवी पर बैठकर जो मर्जी बोलता रहे इसे कोई नहीं सुनेगा सर। और इस तरह के लोगों को कोई क्यों सुनेगा? ये जो आज यहाँ है कल वहां है, कल वहां है, इनके पास इतना ज्यादा पैसा है सर, इनकी दुबई में भी प्रॉपर्टियां हैं, ये तो भाग जाएंगे, ये तो चले जाएंगे, ये तो उड़ जाएंगे। आप पक्कों से दोस्ती करें सर, इन कच्चों का साथ छोड़ दें। पक्के ये आवाम है, ये पाकिस्तान की यूथ है जो आपसे प्यार करती है, जो आपसे मोहब्बत करती है। और हम लोग हैं सर जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद अपने दिल से आपकी मोहब्बत को निकाल नहीं सकते हैं। हम इसे दिल को कितनी बार समझाते हैं मगर ये समझने के लिए तैयार नहीं है। ये जो एक बार आपसे इश्क कर बैठा है, प्यार कर बैठा है, इसको निराश मत करें सर। पाकिस्तान के नौजवानों को निराश मत करें सर। इनसे लड़ने की बजाय साथ लेकर के चलें खुदा के लिए। कैदी नंबर 804 को छोड़ दें सर, उससे अवाम बहुत प्यार करती है। आप कोई ऐसी दवाई नहीं बना सकते हैं जिसे खिलाने के बाद आप
अवाम के दिलों से कह दी नंबर 804 का प्यार निकाल दें। ये प्यार कभी नहीं निकल सकता, ऐसी कोई दवाई दुनिया में नहीं बनी है सर। उसने अपनी 74 साल जिंदगी की एफर्ट से लोगों के दिलों में अपना मुकाम बनाया है। प्लीज सर, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मगर बहुत सारी पाबंदियां बीच में आ जाती हैं, मगर फिर भी उन पाबंदियों में से चलता चलता निकलता निकलता मैं जहां से कोई लफ्ज की बात कहकर आपके सामने रख सकता हूं, कोई सवाल कोई बात अदब के दायरे में रहते हुए कह सकता हूं, मैं कहता हूं सर। इसके बावजूद मुझे भी डर लगता है कि शायद मुझे भी आने वाले वक्त में कहीं उठा ना लिया जाए सर, या मेरी भी जात को कोई निशाना ना बनाया जाए, मगर इन सब के बावजूद मैं आपसे बात करने के लिए आगे आता रहूंगा। जब तक है मेरे दिल में मेरे जिस्म में जान, तब तक बोलता रहेगा उज़ैर रशीद का बोलता कॉलम। थोड़े कहे को ज्यादा समझ लीजिएगा सर, कोई गलत बात कहती हो तो माफ कर दीजिएगा, आप बड़े हैं, आप माफ कर दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।